नमस्कार। एक खबर अभी तुरंत तुरंत आई है और ये दिल्ली से खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं, लेकिन कई लोग हैं, कई दल के नेता हैं जो दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए हैं। हमने आपको बताया था कि आरसीपी सिंह भी दिल्ली में हैं, पशुपति कुमार पारस भी दिल्ली में हैं और जल्दी ही चिराग पासवान भी दिल्ली पहुँचेंगे। लेकिन एक शख्स जो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, माझी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा से अमित शाह की मीटिंग के बाद कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं, कई चर्चाएं जोर पकड़ ली हैं कि सब कुछ फाइनल हो गया है। कोई कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें मिली हैं, कोई 5 सीटें कह रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा ने इन सब पर से विराम लगाते हुए कहा कि जो बातें थी वो बिल्कुल ऑन वे है, ऑन पाथ है, लेकिन इन बातों को कहने का वक्त नहीं है। अभी सबसे ज़रूरी ये है कि बिहार को बचाया जाए और बिहार की जो व्यवस्था चरमरा गई है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन इन्हीं सब बातों में जीतन राम मांझी जो जा करके मिले थे उपेंद्र कुशवाहा से पहले अमित शाह से, उन्होंने अपने 3 डिमांड रखे थे, 3 विभूतियों को भारत रत्न देने की बात कही थी। उसके बाद से चर्चा ये भी शुरू हो गई थी कि वो अपना डिमांड लेकर के गए थे, अपनी अर्जी उन्होंने अमित शाह के सामने दे दी। हमने आपको खबरों में बताया, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में भी हमने आपको बताया कि अब जीतन राम मांझी की जो इच्छा है वो ये है कि उनके पुत्र केंद्र में मंत्री बने। इसके लिए वो पूरी तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी चीज़ त्याग सकते हैं। आपको बता दें कि हमने आपको ये भी बताया था कि इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही है, लेकिन इन सब बातों से अचानक से संतोष सुमन ने इनकार किया है। संतोष सुमन ने एक निजी चैनल से के साथ बातचीत के दौरान बहुत सारी बातों पर अपना विचार रखा है। सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि इस मुलाकात के कोई मायने नहीं है। महागठबंधन से जब बाहर हो गए, जदयू से जब बाहर हो गए, तो उनके पास विकल्प क्या है? उनके पास एकमात्र विकल्प था कि वो कहीं ना कहीं जाएं और जाकर के अर्जी लगाएं। उन्होंने अर्जी लगा दी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ उनका बहुत बड़ा हो ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातों पर गौर किया और कहा कि बिहार अगर देश का नेतृत्व करता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं महागठबंधन में हूं, था और आगे भी रहूंगा। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाने की बात पर उन्होंने फूल समर्थन दिया और कहा कि बिहार की 7 पार्टियों के अलावे उनकी मुलाकात केजरीवाल से हुई है, वो भी तैयार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से हुई है, वो भी तैयार हैं। हेमंत सोरेन तैयार हैं, उद्धव ठाकरे तैयार हैं, कांग्रेस तैयार है, तो फिर बचता क्या है? दक्षिण के कई राज्य तैयार हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र का कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और नीतीश कुमार अब तक के सबसे बेदाग और निर्विवादित चेहरा हैं। संतोष सुमन लगातार दिल्ली में बैठक लगाए हुए हैं और इस बैठकी के मायने चाहे जो भी वो कह रहे हों, लेकिन कई तरह से लगाए जा रहे हैं। उनका कहना यही है कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने तैयारी की है और सभी का मानना और कहना यह है कि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन का नेतृत्व करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो सामने नजर आ रही है वो और जो वो कह रहे हैं, दोनों में कितना अंतर आने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जीतन राम मांझी के बाद संतोष सुमन भी पूरी तरह से मुखर होकर के अब बात करने लगे हैं, बोलने लगे हैं, और उन्होंने 2024 की एक तस्वीर कहीं ना कहीं खींच दी है। उन्होंने अचानक से गियर बदला है और गियर बदलने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश का PM कैसा हो और किसको बनाया जाना चाहिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386 8167000। धन्यवाद।